हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पोल इन स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में पोल क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपने मोटर की जैसे नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे यहां पे डिटेल लिखी होती है, तो कई बार इसमें आपने देखा होगा पोल लिखे होते हैं। पोल वो दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, इस तरह से टू पोल की मोटर या फोर पोल की मोटर है, इस तरह से पोल लिखे होते हैं। तो ये पोल का क्या मतलब है, आज हम इसी को अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर मोटर के हमें सिर्फ आरपीएम पता है तो हम पोल कैसे निकाल सकते हैं, या अगर पोल पता है तो हम आरपीएम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमें आरपीएम निकालना है तो इसका फार्मूला होगा 120 इंटू एफ अपॉन पी। एफ यहां पे फ्रीक्वेंसी है, पी यहां पे पोल है। अगर हमें पोल निकालने हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा 120 इंटू एफ अपॉन आरपीएम। तो यहां पर आपका आरपीएम या पोल हमें बड़ी आसानी से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मोटर है जो कि फोर पोल की है, अब हम इसके आरपीएम निकालने हैं तो हम क्या करेंगे। आरपीएम के लिए जैसे कि ये फार्मूला है, ये 120 कांस्टेंट है, ये सभी दोनों फार्मूले में 120 आएगा। तो 120 इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जनरली 50 होती है, तो हमें 50 रखेंगे। अब पोल हमारे पास चार हैं, तो हम यहां पे अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, चार से इसको काट दिया, 30। अब 30 इंटू 50 बराबर 1500, यानी ये जो फोर पोल की मोटर है वो 1500 आरपीएम की है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास आरपीएम दिए हमें, हमें पोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अब मान लीजिए कोई मोटर 2860 आरपीएम की है, अब हम इसके पोल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 120 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है तो हमने यहां 50 मेंशन किया और यहां पे हम सीधे आरपीएम मेंशन कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, पचास इंटू 12 यह आ गया हमारा 600। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे ये 286 से, डिवाइड बाय 286, यह आ गया हमारा दो पोल, यानी टू पोल की मोटर है। यानी अगर मोटर के आरपीएम 2860 हैं, फ्रीक्वेंसी 50 है तो वो टू पोल की मोटर होगी। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मोटर पे नेम प्लेट ही नहीं है और हमें इसके पोल निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं, ये मान लीजिए मोटर है तो इसमें हमें दो चीज पता होनी चाहिए, नंबर वन स्लॉट और दूसरा कॉइल पिच। यानी इस मोटर की जिसकी हमें पोल निकालना है तो उसका हमें एक तो स्लॉट पता होना चाहिए और कॉइल पिच पता होना चाहिए। अब स्लॉट का मतलब क्या है, आपने अगर मोटर खोल के देखी होगी स्टेटर वाइंडिंग में तो इस तरह से उसमें खांचे से बने होते हैं जिसमें कि वाइंडिंग की हुई, यहां पे वाइंडिंग होती है इसमें। और मान लीजिए कोई कॉइल हम वाइंड कर रहे हैं, इस तरह से कॉइल होती है, उसके दो सिरे होते हैं जो कि इस स्लॉट में डाले जाते हैं। तो हमें यह पता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके दो पोल होते हैं, ये एक एन और दूसरा एस पोल। इसी को इसमें जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है तो इसमें भी एक मैग्नेट क्रिएट होता है और उसी के जो पोल होते हैं उसी को हम पोल कहते हैं। जबकि एक परमानेंट मोटर होती है, कैपेसिटर मोटर होती है,
परमानेंट डीसी जो मैग्नेट मोटर होती है उसमें इस तरह से चार पोल यानी चार ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट ही है, तो इसके ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, इसमें परमानेंट मैग्नेट होती है। तो हम पोलों को हमें यहां से हमें पता लग जाता है कि ये कितने पोल की मोटर है, जबकि इस इंडक्शन मोटर में, इस पोल के इंडक्शन मोटर में क्वाइल के थ्रू इसमें हमें मैग्नेट जनरेट करना पड़ता है और फिर उसमें पोल जनरेट होते हैं और तब हमें पता लगता है कि ये कितने पोल की मोटर है। तो अब हमें मान लीजिए नेम प्लेट पे कुछ नहीं लिखा है या नेम प्लेट ही नहीं है मोटर पे, हमें पोल निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको क्वाइल इसकी पिच को स्लॉट को गिन लेंगे। मान लीजिए इसकी स्लॉट 12 है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो क्वाइल है, अब हमें इसे क्वाइल को देखना पड़ेगा। मान लीजिए क्वाइल का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो हम इसको गिन लेंगे। इस जिस स्लॉट में डाला है इसको छोड़कर ये एक और ये दो और ये तीसरे उसमें ये दूसरा सिरा है तो ये तीन, यानी कि इसकी तीन स्लॉट के बाद ये क्वाइल का दूसरा सिरा इसमें डाला गया है। इसी तरह से अब मान लीजिए एक क्वाइल का सिरा ये है दूसरी मोटर में और यहां पे डाला गया है, तो इस पहले को छोड़ देंगे, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, यानी चार स्लॉट के बाद ये दूसरा सिरा है। तब हमने टोटल स्लॉट गिन लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि क्वाइल का जो दूसरा सिरा है वो किस स्लॉट की से दूसरा सिरा निकाला गया है, तो यह जैसे यहां पर तीन आया था तो हम सीधे इसको तीन से डिवाइड कर देंगे तो आ गया चार, यानी ये जो अगर इस तरह से वाइंडिंग है तो ये मोटर फोर पोल की है। अगर मोटर के स्लॉट यहां पे हमने गिना और यहां पे हमारे ये चार आ रहे हैं, जैसे चार आ रहे हैं तो ये 12 को हम चार से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी थ्री पोल की मोटर है। अगर ये मान लीजिए 6 आ गए, इस तरह से स्लॉट बढ़ गए इसमें और ये 6 आ गए, तो इन्हें टोटल स्लॉट को और हम इस क्वाइल पिच से डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए 6 है तो ये हमारी टू पोल की मोटर हो जाएगी। तो इस तरह से जिस मोटर पे अगर नेम प्लेट नहीं है तो हम बड़ी आसानी से मोटर को इसको खोलकर इसकी स्लॉट को और क्वाइल पिच को हम देखकर बड़ी आसानी से हम ये पोल निकाल सकते हैं। अगर हमें पोल पता है तो हम आरपीएम भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में कि हम किस तरह से हम मोटर के पोल और आरपीएम को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और मोटर में पोल क्या होते हैं उसको भी हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।